नमस्कार, आज मैं स्ट्रॉबेरी जैम बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 8-10 स्ट्रॉबेरी लिया हुआ है और शुगर जो मैं 3-4 स्पून यूज़ करूँगी। मैं स्ट्रॉबेरी को ग्रेट कर रही हूँ, मोटे या पतले साइड से कहीं से भी कर सकते हैं। इसको वैसे भी मैं छान रही हूँ बाद में, ग्रेट करने के बाद, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप इसको स्पून से मैश भी कर देंगे, आराम से ये मैश हो जाएगा। ऐसे ही करके सब ग्रेट कर लेंगे। पूरा मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसको मैं छान लूंगी। इसको मैं छान ले रही हूँ स्पून से, थोड़ा प्रेस करके इसको करेंगे, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही करके पूरा छान लेंगे। मैंने इसको पूरा छान लिया है, 5-6 मिनट लगे पूरा इसको छानने में। इसमें इसका बीज भी चला गया है, इट्स ओके। मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैं 2 बड़ी चम्मच शुगर डाल रही हूँ। और इसमें ये पूरी स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं गैस ऑन करूंगी। गैस को ऑन कर देते हैं और बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे ताकि ये जले ना। ऑलरेडी ये बहुत थिक दिख रहा है, इसको मैं बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने वाली। ये बॉयल होने लगा है, फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। इसको 1 मिनट ही मैं बॉईल करूंगी। आप इसमें चाहें तो 3-4 स्पून शुगर यूज कर सकते हैं। 1 मिनट हो चुका है, ये बॉईल आ रहा है इसमें, और ये भी इतना ऐसा पतला दिख रहा है थोड़ा, ये रखने पे थोड़ा और भी थिक होगा। मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको किसी जार में करके हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जैम बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना ये थिक हो चुका है। सो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे इस जैम को केक के ऊपर यूज़ करूंगी, और प्लीज़ इसको ट्राई करिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।